हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, COP28 कॉल्स फॉर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो COP28 में बात हो रही है फॉसिल फ्यूल को हटाया जाए। नेशन टुक अ स्मॉल बट डिसिसिव स्टेप टुवर्ड्स राइडिंग दी वर्ल्ड ऑफ फॉसिल फ्यूल आफ्टर नेगोशिएटर्स इन दुबई दुबई में हो रहा है COP28 आपका। ऑन वेंसडे अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन कॉल दुबई कंसेंसस। तो दुबई कंसेंसस के नाम से रेजोल्यूशन आया है इनका। द स्टैंड आउट क्लॉज इन 21-पेज टेक्स्ट इज द वन दैट कॉल्स ऑन पार्टीज टू बी तो मतलब COP ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन एनर्जी सिस्टम। तो फॉसिल फ्यूल को हटाया जाए एनर्जी सिस्टम से इन अ जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर, एक्सिलरेटिंग एक्शन इन दिस क्रिटिकल डिकेड। तो इस 10 साल मतलब 2021 से लेके 2030 में ये काम किया जाए, 2030 तक ये काम किया जाए टू अचीव नेट जीरो बाय 2050 इन कीपिंग विथ द साइंस। हाउएवर दिस लैंग्वेज ऑफ ट्रांजिशनिंग हैज बिन डाइल्यूटेड फ्रॉम अर्लियर ड्राफ्ट्स दैट हैड कॉल्ड फॉर एन एक्चुअल फेज आउट। तो यहाँ पे एक्चुअल फेज आउट के लिए बोला गया है ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स, सारे फॉसिल फ्यूल्स को, क्रिएटिंग अ पाथ टू नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050 इज ह्यूमैनिटीज बेस्ट शॉट एट कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 2099 तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक असेसमेंट्स बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, दिस इम्प्लाइज कटिंग एमिशन टू 43% ऑफ 2019 लेवल बाय 2030 एंड 60% बाय 2035। एंड वन रस आस्क गिवन दैट जस्ट 7 ईयर रिमेन फॉर द फर्स्ट टारगेट वाइल एमिशन कीप राइजिंग ईयर ऑन ईयर। तो बस 7 साल बचे पर एमिशन तो आपका बढ़ते जा रहा है, तो ये टारगेट कैसे मीट होगा? द कंसेंसस टेक्स्ट रिफ्लेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन वॉट द वर्ल्ड शुड डू टू स्टेम ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग दैट कंट्रीज कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। दिस क्लाइमेट टॉक्स आर एनुअल अफेयर बट मूव टूवर्ड्स इंक्रीमेंटल बिकॉज द UN रूल सेज दैट द एग्रीमेंट कैन रिजल्ट ओनली इफ ऑल 198 सिग्नेटरीज एग्री ऑन एवरी लाइन इन द टेक्स्ट। तो ये चीज़ है, सारे लोगों को इस टेक्स्ट के ऊपर एग्री करना पड़ेगा। On the one hand, delegates from vulnerable nations such as Samoa and the Marshall Island expressed their unhappiness that the agreement does not go far enough to end fossil fuel. क्योंकि वो तो छोटे आइलैंड है, वो तो भाई जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो खत्म हो जाएंगे, putting the future of their country at risk. देखिए जो मैंने बताया। On the other end, several countries, including Saudi Arabia, Egypt, Colombia, Senegal, तो ये सब दिमाग में आने चाहिए, कहाँ पर है सऊदी अरेबिया, कहाँ पर है, अच्छा इजिप्ट का है, कोलंबिया का है, सेनेगल का है, सेड दैट व्हाइल द एग्रीमेंट वाज अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर द फॉसिल फ्री फ्यूचर। तो फॉसिल फ्री फ्यूचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर वाज अ लिटिल मूवमेंट टू इंश्योर दैट द फंड प्रॉमिस्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज इन प्रीवियस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक्चुअली मेड देयर वे टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ठीक है, ये फंड्स मिले हैं। While mitigating or cutting down greenhouse gas emission is main focus of the climate talks, there are two other major strands of negotiation. Adaptation, which involves making countries more resilient to cope with present and future impact from climate change, and the means of implementation and support, whereby developed countries are expected to provide financial support and technology to developed nation to transition away from fossil fuel-led development. Major criticism at the heart of division between developed and developing countries is that many of the promises made by the former have been broken. A 2009 commitment to mobilize $100 billion a year between 2020 and 2025 has only been partially realized. मतलब पूरा नहीं हुआ, कुछ हुआ है उसमें से. With the Dubai Consensus Agreement, noting that this was the matter of deep regret. तो ये इनको इसके ऊपर regret भी हो रहा है. The global net zero by 2050 does not and should not imply a net zero for all countries at that time. In fact, developed countries need to reach net zero much earlier to provide even a medium of carbon space for developing countries, says Anand
पटवर्धन ऑफ द यूनिवर्सिटी मैरीलैंड। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कंक्लूजन है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अ ग्लोबल नेट जीरो बाय 2050 डज नॉट एंड शुड नॉट इम्प्लाई नेट जीरो फॉर ऑल कंट्रीज एट दैट टाइम। इन फैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू रीच नेट जीरो मच अर्लियर प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड इवन अ मोडिकम ऑफ कार्बन स्पेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब आप देखिए, एक बार मैं आपको एक बार समरी बता दे रहा हूँ पूरे चीजों की। ठीक है, 2019 लेवल के, जस्ट अ सेकेंड, COP 28 आपका कहाँ हुआ है? दुबई में। ठीक है, ये चीज दुबई में हुआ है। इसमें जो आया है आपका की नोट आया है, रेजोल्यूशन आया है, उसका नाम है आपका दुबई कंसेंसस। ठीक है, दुबई कंसेंसस इसका नाम है। ठीक है, अब थर्ड आप देखिए, इसमें बात क्या हो रहा है, फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल का फेज आउट होना है। ठीक है, क्यों? जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है आपके, उसको हमें पहुंचाना है नेट जीरो बाय 2050। क्यों? ये हमें इसलिए पहुंचाना है कि हम 2099 तक ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना बढ़ने दें, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। 2019 के लेवल से 43% जो है आपका होना चाहिए आज एमिशन। ठीक है, 2030 में, पर एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते जा रहे हैं, तो ये टारगेट अचीव करने में अभी बस 7 ईयर्स बचे हैं। ठीक है, और हमें यही चीज़ ज़्यादा करना है, आप देखिए। ठीक है, 1.5 डिग्री का टारगेट बता दिया, 2050 तक नेट जीरो बता दिया मैंने, 43% ऑफ 2019 और 60% बाय 2019 के 2030 तक, और 60 तो 20 देखिए 60% हमें कम करना है, कब तक? 2035 तक। तो ये कुछ इशू जो है हम एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकते हैं MCQ टाइप में। ठीक है, UN रूल कहता है कि एग्रीमेंट जो है तभी होगा जब सारे के सारे कंट्रीज इसको साइन करें। ठीक है, एवरी कंट्री शुड साइन रेजोल्यूशन। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 198 कंट्रीज। एक भी अगर इसको साइन नहीं करेगा तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, इस पेज में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो 2050 का टारगेट है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज के, डेवलप्ड को पहले करना चाहिए। और जो पैसा ये लोग बोल रहे थे हम देंगे $100 बिलियन, उसके लिए डीप रिग्रेट हुआ है लोगों को। ठीक है, और बताया जा रहा है जो वल्नरेबल वो आइलैंड्स ग्रुप है, कंट्रीज है, वो लोग खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला हमारा तो रिस्क बढ़ते ही जा रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, तुरंत एक्शन नहीं ले रहे हो। तो बस इतना ही था इस आर्टिकल में जानने के लिए, और जितनी चीज़ें थी हमने कवर कर ली। थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।